दोस्तों, अगर आप अपनी बियर्ड को घर पर खुद सेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, है बिफोर और ये है आफ्टर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी मूछों को सेट करना है। इसके लिए हम सीजर यूज़ करेंगे। सीजर ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं होनी चाहिए। मूछों को ट्रिम बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा ऊपर से ट्रिम कर दी तो मूछें ख़राब हो जाएंगी। कोशिश करें पहले कम काटें, फिर इसे होंठों के ऊपर वाली लाइन तक ट्रिम करें। याद रहे, ज़्यादा ट्रिम करने से मूछों की लाइन ख़राब हो सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ट्रिम करके इसको प्रॉपर सेट करें। मूछों को प्रॉपर सेट करने के बाद हम गर्दन वाली साइड पर आ जाएंगे और गर्दन पर जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनको ट्रिम करेंगे। सबसे पहले हम शेविंग मशीन से लाइन बनाएंगे। आप कोई भी शेविंग मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप छोटी शेविंग मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप रेज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन बनाने के बाद हम जो नीचे एक्स्ट्रा बाल हैं उनको क्लीन करेंगे और उनको क्लीन करने के बाद ठंडे पानी से गर्दन को वॉश करेंगे। फिर बियर्ड के जो एक्स्ट्रा बाल बाहर निकले हैं इनको सेट करेंगे। इनको सेट करने के लिए हम मशीन पर क्लिप लगाएंगे। मैं सबसे कम नंबर का क्लिप यूज़ कर रहा हूँ। आप कम से एक नंबर ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप कोई भी मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको पर क्लिप लगता हो। आप मशीन की जगह सीजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, आपने शेविंग मशीन को ऊपर से नीचे की तरफ लेकर जाना है या फिर इस डायरेक्शन में जाना है जिस तरफ आपके बाल ग्रो हुए हैं। याद रहे, आपने गलती से ज़्यादा ट्रिम नहीं करना, नहीं तो आपकी बियर्ड ख़राब हो सकती है। आपने आराम आराम से ऊपर से नीचे की तरफ मशीन यूज़ करनी है और आपने मशीन को ऊपर ऊपर से यूज़ करना है ताकि ज़्यादा बाल ट्रिम ना हो जाएं। अगर आपने कहीं से ज़्यादा बाल काट दिए तो बियर्ड का लेवल ख़राब हो सकता है, इसलिए हर तरफ से इक्वल लेवल से ट्रिमिंग करनी है। इसके बाद हम अपर साइड से बियर्ड को लेवल करेंगे और जो एक्स्ट्रा बाल हैं इन्हें क्लीन करेंगे। याद रहे, ये लाइन दोनों तरफ से एक जैसी होनी चाहिए। आपने लाइन ऊपर से शुरू करनी है, क्योंकि अगर आपने पहले नीचे से लाइन स्टार्ट कर दी तो आपकी लाइन ज़्यादा नीचे हो जाएगी। याद रहे, यहाँ पर आपने काफ़ी आराम से और तसल्ली से ट्रिमिंग करनी है। लेवल को ज़्यादा नीचे नहीं लेकर जाना, क्योंकि एक दफ़ा लेवल नीचे चला गया तो बियर्ड छोटी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके बाल मोटे हैं और शेविंग मशीन से ट्रिम करने के बाद बिल्कुल क्लीन नहीं होते तो आप शेवर या रेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर वाली साइड के लिए मैं आपको शेवर रिकमेंड करूँगा। इसके बाद हम कान के पास वाली साइड पर से एक्स्ट्रा बालों को ट्रिम करेंगे। इसके लिए आपको दो मिरर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक आपके फ्रंट पे और एक आपके साइड पर। आप फ्रंट वाले मिरर से साइड वाले मिरर पर देखेंगे और वहाँ से आप कान वाली साइड पर देखकर अपने बालों को सेट करेंगे। इस तरह हम पीछे वाले बालों को सेट करेंगे। इसके बाद इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपने ठंडे पानी से फेस को वॉश करना है ताकि फेस पर जो बाल गिरे हैं वो साफ़ हो जाएं। दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।